हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? ट्राइपैनोसोमा के बारे में। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। जानते हैं इसका क्या क्लासिफिकेशन होता है। क्लासिफिकेशन में सबसे पहली चीज़ आती है, वो आती है किस किंगडम को बिलोंग करता है। इसका जो किंगडम होता है वो होता है प्रोटिस्टा। दूसरी चीज़ है, ये किस फाइलम को बिलोंग करता है। इसका फाइलम होता है सार्को मेस्टिको फोरा। अगली चीज़ है, ये किस क्लास को बिलोंग करता है। इसकी जो क्लास होती है वो होती है काइनेटोप्लास्टिडा। अगली चीज़ है, ये किस ऑर्डर को बिलोंग करता है। ऑर्डर होता है ट्राइपैनोसोमाटिडा। अब ये किस फैमिली को बिलोंग करता है। फैमिली होती है ट्राइपैनोसोमेटिडी। अगली चीज़ है, ये किस जीनस को बिलोंग करता है। जीनस हो गया इसका ट्राइपैनोसोमा। इसकी स्पीशीज कौन कौन सी होती हैं। एक स्पीशीज होती है ट्राइपैनोसोमा ब्रूसी, एक स्पीशीज होती है ट्राइपैनोसोमा गैम्बिनसी। ये हुई इसकी कुछ स्पीसीज। अब बात कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स के बारे में। ये जो हमारा ट्राइपैनोसोमा होता है, ये अकर कहाँ करता है। ये अकर करता है ज़्यादातर किस में, वर्टिब्रेट्स। अकर्स इन वर्टिब्रेट्स। अगली चीज़ है वो ये है कि ये वर्टिब्रेट्स में मिलता कहाँ पे है, उनके ब्लड में और टिश्यू फ्लड में। ब्लड में और किस में, टिश्यू फ्लूड में। अब बात कर लेते हैं ये कौन सी डिसीज़ कॉज करता है। ये डिसीज़ जो कॉज करता है, डिसीज़ कॉज्ड, वो होती है हमारी ट्राइपैनोसोमियासिस। ये डिसीज़ कॉज करता है कौन, ट्राइपैनोसोमा, मतलब इसकी स्पीसीज। अब जो हमारी ट्राइपैनोसोमियासिस डिसीज है वो भी कई टाइप की होती है, मतलब कि जो हमारी ट्राइपैनोसोमियासिस है वो कई टाइप की होती है। अब बात कर लेते हैं उसके बारे में। जो हमारी ट्राइपैनोसोमियासिस है उसको फर्दर क्लासीफाई किया गया है किस में, अफ्रीकन ट्राइपैनोसोमियासिस में और अमेरिकन ट्राइपैनोसोमियासिस में। ट्राइपैनोसोमियासिस इसको क्लासिफाई किया गया किसमें, एक तो अफ्रीकन ट्राइपैनोसोमियासिस में और दूसरा अमेरिकन ट्राइपैनोसोमियासिस में। जो हमारी अफ्रीकन ट्राइपैनोसोमियासिस है इसको भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है दो ट्राइपैनोसोमियासिस में, वो होती है हमारी वेस्ट अफ्रीकन ट्राइपैनोसोमियासिस, दूसरी होती है हमारी ईस्ट अफ्रीकन ट्राइपैनोसोमियासिस। जो हमारी ट्राइपैनोसोमियासिस है कौन सी, अफ्रीकन, इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, वो होती है हमारी क्या, स्लीपिंग सिकनेस। किसमें, ह्यूमंस में। और आप इसको देखोगे एनिमल में तो इसको नाम से जाना जाता है किस, नगाना, और दूसरा नाम होता है वो होता है सौरा। अगली चीज़ है इसमें वो ये है,
ये जो हमारी अफ्रीकन ट्राइपैनोसोमियासिस है ये किसके द्वारा ट्रांसमिट होती है? ये ट्रांसमिट होती है स्पीसीज के, किसकी स्पीसीज? ग्लॉसिना। और आप सिंपली कह सकते हो ये जो डिसीज हमारी ट्रांसमिट होती है किसके द्वारा? टी सी फ्लाई के द्वारा। और जो हमारी ईस्ट अफ्रीकन ट्राइपैनोसोमियासिस है ये किसके द्वारा ट्रांसमिट होती है? ये ट्रांसमिट होती है विंग्ड बग के द्वारा, विंग्ड बग। और आप कह सकते हो और किसिंग बग के द्वारा, ये इनके द्वारा ट्रांसमिट होती है। अगली चीज़ है वो है हमारी क्या, अमेरिकन ट्राइपैनोसोमियासिस। इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, वो होती है क्या, चगस डिसीजेस, ऑल्सो कॉल्ड चगस डिसीजेस। ये बात कर ली हमने किसके बारे में? अफ्रीकन ट्राइपैनोसोमियासिस, अमेरिकन ट्राइपैनोसोमियासिस, मतलब कि ट्राइपैनोसोमियासिस के टाइप्स के बारे में, मतलब इसकी जो डिसीजेज हैं तो उनके टाइप्स के बारे में। अब आगे हम बात करते हैं किसके बारे में, मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स के बारे में। किसकी? ट्राइपैनोसोमा की। जानते हैं इसकी क्या मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स होती हैं। मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स, जो हमारा ट्राइपैनोसोमा है उसकी चार मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म होती हैं, फोर फॉर्म्स। पहली होती है हमारी ए मेस्टिगोट, ए मेस्टिगोट। दूसरी होती है हमारी प्रो मेस्टिगोट। तीसरी होती है हमारी एपी मेस्टिगोट। और चौथी होती है हमारी ट्राइपो मेस्टिगोट। इसकी चार फॉर्म्स होती हैं। जो हमारी ए मास्टिगोट फॉर्म है ट्राइपैनोसोमा की, ये जो होती है नॉन मोटाइल होती है, नॉन मोटाइल, और प्रेजेंट रहती है किसके अंदर? वर्टिब्रेट के सेल्स के अंदर, प्रेजेंट विद इन सेल्स ऑफ वर्टिब्रेट। अगली चीज़ है इसमें कि जनरली ये राउंड शेप की होती है, राउंड शेप। अगली चीज़ है इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंट होता है कहाँ पे? न्यूक्लियस सेंटर में। और जो इसकी प्रोमेस्टिगोट फॉर्म है वो कहाँ पे मिलती है हमें? इनवर्टिब्रेट्स में। अगली चीज़ है इसमें कि ये जो होती है प्रोमेस्टिगोट फॉर्म, ये लीफ लाइक एलोंगेट होती है, मतलब लीफ की तरह लंबी होती है, लीफ लाइक एलोंगेट। और इसमें जो होता है फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट। अगर डायग्रामेटिकली देखोगे आप तो जो हमारी ए मेस्टिगोट फॉर्म है वो इस तरह की होती है कुछ, और जो हमारी प्रोमेस्टिगोट फॉर्म है वो कुछ इस तरह की होती है। अब बात करते हैं थोड़ी किसके बारे में, एपीमेस्टिगोट के बारे में। ये कहाँ पे मिलती है हमें? इनवर्टिब्रेट्स में, इनवर्टिब्रेट्स। अगली चीज़ है ये भी लीफ लाइक एलोंगेट होती है, लीफ लाइक एलोंगेट। और इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंट होता है कहाँ पे? पोस्टीरियर, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट पोस्टीरियर। और डायग्राम आप इसका देखेंगे कुछ इस तरह का होता है। चौथी होती है हमारी ट्राइपैनो मेस्टिगोट, ये हमें कहाँ मिलती है? वर्टिब्रेट्स में,
वर्टी ब्रेट्स। अगली चीज इसमें वो ये है कि न्यूक्लियस जो प्रेजेंट होता है इसमें वो कहाँ पे होता है, मिडिल में। न्यूक्लियस कहाँ पे, मिडिल में। और डायग्रामेटिकली देखेंगे आप तो इसकी शेप कुछ ऐसी होती है। इसमें ये होता है हमारा क्या, काइनेटोप्लास्ट, और ये होता है हमारा क्या, न्यूक्लियस। ये बात कर ली इसकी मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स के बारे में। अब बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में कि ये क्या सिम्टम्स शो करते हैं, मतलब कि ट्राइपैनोसोमा की जो स्पीसीज होती हैं वो जब डिसीज़ कॉज कर देती हैं तो वो क्या सिम्टम्स शो करती हैं। अब बात करते हैं उनके बारे में, सिम्टम्स। सबसे पहला सिम्टम है वो ये है कि ब्लड में चेंजेस आते हैं, चेंजेस इन ब्लड। कहने का मतलब ये है कि उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन और RBC डिक्रीज़ हो जाती है। कितने परसेंट तक, 25% तक। और क्या होता है, पोटेशियम भी डिक्रीज़ हो जाता है, pH भी कम हो जाता है। अगले सिम्टम है वो है स्किन रैशेज होते हैं, स्किन रैशेज, जॉइंट पेन होने लगता है, इचिंग होती है, फीवर आता है, हेडेक होता है, वीकनेस भी आ जाती है। ये सारे सिम्टम्स शो करता है क्या, ट्राइपैनोसोमा, जब भी डिसीज कॉज करता है किसी भी ह्यूमन में। अब बात करते हैं आगे इसकी डायग्नोसिस की, कि इसको हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। डायग्नोसिस, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अलाइजा टेस्ट करते हैं। अलाइजा टेस्ट हम कौन सी स्पीसीज के लिए करते हैं इसकी, वो होती है भाई ट्राइपैनोसोमा ब्रूसी। और क्या करते हैं हम डायग्नोसिस के लिए, कल्चर ले सकते हैं। कल्चर लेकर भी हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। और क्या करते हैं हम, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हम क्या ले सकते हैं, लिम्फ ले सकते हैं, मतलब लिम्फ का सैंपल ले सकते हैं और ब्लड का सैंपल ले सकते हैं। किस लिए, क्या पता करने के लिए, फर्स्ट स्टेज इन्फेक्शन को पता करने के लिए, किसके, ट्राइपैनोसोमा के। ये बात होगी इसकी डायग्नोसिस की। अब आगे बात करते हैं हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में, कि हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट जो हमारी अफ्रीकन ट्राइपैनोसोमियासिस है, ये कैसे ट्रीट की जा सकती है, अर्ली डिटेक्शन के लिए। जब हम अर्ली इसको डिटेक्ट कर लेते हैं तो इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, इसको हम ट्रीट कर सकते हैं ड्रग्स लेके। कौन कौन सी, पेंटा मिडिन, दूसरी जो हम ड्रग ले सकते हैं वो होती है हमारी सोरामिन। ये होता है अर्ली डिटेक्शन किसके लिए, अफ्रीकन ट्राइपैनोसोमासिस के। दूसरा है, अगर हमारा लेट इन्फेक्शन हमें ठीक करना है तो उसके लिए कौन सी ड्रग है, फॉर लेट इन्फेक्शन, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं क्या, इफ्लोरथिन, इसको हम यूज़ कर सकते हैं ट्रीट करने के लिए क्या, लेट इन्फेक्शन किसका, अफ्रीकन ट्राइपैनोसोमियासिस का। अब बात करते हैं अमेरिकन ट्राइपैनोसोमियासिस को कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके लिए हम ड्रग ले सकते हैं कौन सी, बेंजी डेजोल। और कौन सी हम ड्रग ले सकते हैं, निफर्टीमॉक्स, ये ड्रग्स ले सकते हैं।
इसको ट्रीट करने के लिए, ये बात कर ली इसके ट्रीटमेंट के बारे में, और ये बात कर ली हमने किसके बारे में, ट्राइपैनोसोमा के बारे में। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये है इसका डायग्राम। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।